अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और उसके हथियारों के दम पर रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर रूस कमजोर पड़ रहा है। अब पुतिन के सामने वो इलाका बचाने की चुनौती है जिसको अक्टूबर में स्वायत्त क्षेत्र की मान्यता दी थी, यानी डोनबास, क्योंकि डोनबास में यूक्रेन हावी हो रहा है। इस लहर को पलटने के लिए पुतिन ने नया प्लान बनाया है। क्या है वो प्लान, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये उस इलाके की जंग है जो पुतिन के लिए सबसे अहम है। ये वो इलाका है जिसे रूस दो भागों में बांटकर डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक कहता है और यूक्रेन कहता है डोनबास। डोनबास इलाके के पास बाखमुत शहर इस वक्त सबसे भीषण जंग का गवाह बन रहा है। यूक्रेन की सेना धीरे धीरे डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना पर हावी हो रही है। डोनबास और लुहांस्क को पुतिन ने अक्टूबर के महीने में रूस के समर्थन वाला स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। और दो ढाई महीने में नौबत ये आ गई कि ये इलाके रूस के हाथ से निकलने वाले हैं। पुतिन को अब डोनबास जाने का डर सता रहा है और इसीलिए एक नया प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि खार्कीव में कुपियांस्क और डोनेस्क रीजन में लाइमन इलाके रूस से आजाद करा लिए गए हैं। अब युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर रूस ताकत बढ़ा रहा है। लाइमन बाखमुत में सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं। रूस युद्ध जीतने के लिए नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। मोबिलाइजेशन में भर्ती किए गए सैनिक ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात किए जाएंगे। डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र रूस की सीमा से सटे इलाके हैं। पुतिन यहां अपना कब्जा करके नेटो और रूस के बीच एक बड़ा बफर जोन बनाना चाहते हैं। इसीलिए रूस इस इलाके में पूरी ताकत झोंक रहा है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति रूस के लिए बहुत अहम है। डोनेस्क और लुहांस्क रूस की सीमा से सटे हुए हैं, तो सी ऑफ अजोव से यूक्रेन को सीधा जोड़ते हैं। डोनेस्क और लुहांस्क पर यूक्रेन के कब्जे का मतलब है क्रीमिया के नजदीक पहुंचना, साथ ही ब्लैक सी में तैनात रूसी बेड़े पर खतरा बढ़ना। 2014 में क्रीमिया कब्जाने के बाद इस इलाके को रूस में शामिल करने के लिए ही पुतिन ने युद्ध छेड़ा है। अक्टूबर तक इन इलाकों को पूरी तरह रूस में शामिल करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस मोर्चे पर यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से इतना बारूद बरसाया कि रूसी फौज के पांव उखड़ गए। यूक्रेन ने डोनबास इलाके में पड़ने वाले मकीवका के रूसी हथियार डिपो पर हाल ही में बड़ा हमला किया। यूक्रेन के इस हमले में रूस की आर्टिलरी को भारी नुकसान हुआ। रूस सरकार ने भी माना कि उसके 89 सैनिक मारे गए। ईस्टर्न मोर्चे पर बड़े झटके के बाद एक बार फिर रूस यहां ताकत बढ़ाने के लिए मोबिलाइजेशन शुरू करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।